कुकिंग में क्या बनाने वाला है देख लीजिए। ये हम इसको भोपला बोलते हैं हमारा बम्बई में, जो हमारा बंगाली में इसको मिष्टी कुमरो बोलते हैं दोस्तों, कुमरो बोलते हैं, ये मीठा वाला होता है कुमरो। आइए हम झींगा मछली लिए दोस्तों, लेकिन जो सूखा वाला जो सुकट होता है वो है। इसको हम अच्छे से तीन चार पानी में धुलाई कर लिए, तीन चार नहीं पाँच छः पानी में धुलाई किया दोस्तों। इसमें तो थोड़ा बालू वालू टाइप का होता है सूखने का बाद। आज इससे ही देखिए हम आपको रेसिपी बना के देंगे एकदम कम मसाला में और बहुत अच्छा से एक रेसिपी। मैं पहला बार ही दे रहा हूँ ये रेसिपी, पहले कभी अपना चैनल पे नहीं दिया हूँ, तो मैंने सोचा आज ये दिया जाए। इस मच्छी देखे, आइए कुमरा देखे, आर हमारा महाराष्ट्र में इसको भोपला बोलते हैं, तो आपको इधर क्या बोलते हैं आप कमेंट करके मुझे जानाइएगा। और इसका मसाला हम रेडी किए, ये देखिए लहसुन है और चार हरा मिर्च लिए। पेस्ट हम इस दोनों चीज़ के इसी पेस्ट बनाएंगे, और इसमें हम प्याज और जीरा हम नहीं देंगे, ये दोनों चीज़ का पेस्ट बनाएंगे। और हम छोक में इसमें ये चार जो हमारा लहसुन है उसको हम तोड़ लेंगे, तोड़ के उसका छोक में बनाएंगे। तो आप वीडियो देखिए मैं कुमरो का और झींगा मच्छी का, सुकट वाला झींगा मच्छी का सब्जी कैसे बनाता हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों थोड़ा तेल डाल दिया था, आपको दिखाया नहीं कि वो तेल में थोड़ा पानी था तो बहुत छीट रहा था, तो मैं बोला बाद में फिर ऐड करेंगे थोड़ा, अभी थोड़ा सा और ऐड करते। थोड़ा सा तेल खाली डाले ना तो उसमें पानी था तो बहुत छीट रहा था, तो मैं इसलिए कैमरा बंद कर दिए, क्यों फिर अच्छा नहीं लगा, मोबाइल पे भी गिर रहा था छीटा। अभी हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें जो हमारा मच्छी जो मैंने दिया आपको दिखाया था मैंने जो झींगा मच्छी, उसको हम फ्राई कर लेते पहले, उसको निकाल के फिर हम अपना सब्जी छोड़ देंगे। तो फ्राई करेंगे उसके बाद हम निकालेंगे उसको। देखिए दोस्तों हमारा वो जो झींगा मच्छी था सूखा वाला वो फ्राई हो चुका है हमारा अच्छा से, इसको अब हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, आज जिसने किया हमको बहुत बहुत थैंक यू। आप सब्सक्राइबर करके रखेंगे तो जब ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करेगा आपको तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो में एक दिन बाद अपलोड करता हूँ, मैं रोज नहीं करता, एक दिन छोड़ छोड़ के फिर मैं वीडियो छोड़ता हूँ। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उधर में भी जाइएगा, उधर मैं इंस्टाग्राम में अच्छा अच्छा फोटो अपलोड करता हूँ कुकिंग का ही है। और फेसबुक पेज में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, उधर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो निकाल लेते हैं हम अपना झींगा को, झींगा मच्छी, और ऐसी करके आप बनाएगा। ये बहुत कम मसाला देखिए हम बनाएंगे, और इसको कम मसाला देखिए ये बनता है। इसमें लहसुन का छोक दीजिएगा और लहसुन और हरा मिर्ची पेस्ट दीजिएगा, इसमें हम लाल मिर्ची ऐड नहीं करेंगे, और धनिया पाउडर और जीरा भी हम पाउडर ऐड नहीं करेंगे। इसमें बस आपको हरा मिर्ची और लहसुन का पेस्ट दिखाया मैंने, वही आपको दोनों चीज़ के पेस्ट रहे। देखिए लहसुन है इसको हम तोड़ लिए, इसको ही छोक देंगे अभी। ऐसी करके बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी जो हमारा जो कुमरा है जो हमारा महाराष्ट्र में इसको भोपला बोलते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं। हल्दी और नमक डाल देते हैं, और थोड़ा सा देंगे एक चम्मच और आधा चम्मच से कम है दोस्तों, तो आप कितना भोपला लीजिएगा उस हिसाब से आप डालिएगा। अब इसमें हम हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर भी मैं आधा चम्मच ऐड किया, मैं डब्बा में लास्ट था थोड़ा सा, तो मैं आइडिया से ऐड किया, लेकिन वो आधा चम्मच तक भी मैंने ऐड किया। अभी हम इसको हिला देंगे थोड़ा, फिर इसको ढक देते, फिर हमारा जो पीसा हुआ मसाला है वो अभी हम ऐड करेंगे। और दोस्तों हम हरा मिर्ची और लहसुन को मिक्स करने पीछे तो थोड़ा हम पानी डाल के ऐड किए थे, तो हमारे जो मसाला पीसते नहीं थे इसलिए मैं पानी पानी डाल के मसाला बनाया हूँ। इसको थोड़ा ढक देते, ठीक है।
हल्दी और नमक ही ऐड किया था इसमें। और अभी इसमें मसाला के बाद मतलब पीसा हुआ लाल मिर्च, ये लाल मिर्च हरा मिर्च में डाल दिया था, और लहसुन उसको भी डाल दीजिए। अभी देखिए ऐसे करके मैंने पीसा हूँ, मिक्सर में पीसा दोस्तों, तो थोड़ा लहसुन था और थोड़ा हरा मिर्च था, तो पानी डाल के पीसा हूँ, तो थोड़ा पानी पानी है कि नहीं तो ज़्यादा नहीं होगा, पानी नहीं डालेगा तो फिर कम मसाला है तो पीसा नहीं जाएगा। इसमें ऐड कर दिए, अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि हमारा लहसुन थोड़ा कच्चा है तो इसको फ्राई होना ज़रूरी है। और इसमें मसाला जो लगा हुआ है तो थोड़ा इसको पानी से, और इसमें थोड़ा ऐसे मसाला एकदम कम मसाला देखिए बनाइएगा, ये कम मसाला देखिए अच्छा लगेगा, ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारा झींगा मच्छी है ना वो भी हम डाल देते हैं जो फ्राई करके हम रखे थे, और इसको फ्राई करके थोड़ा हम पानी डालेंगे उसमें झोल, या फिर फ्राई कर लेंगे इसको हम। देखिए दोस्तों मसाला देखिए फ्राई कर लिए हैं, आदल बोले लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट देखे, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे दोस्तों, और एकदम इतने मसाला इसमें मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, आप ऐसे ही करके कम मसाला में बनाइए, ये बहुत टेस्टी वाला सब्जी होता है। और सूखा मच्छी जो होता है उसको टेस्टी लगता है, थोड़ा बास आता है, तो उसको आप अच्छे से 4-5 पानी में धुलाई करिएगा, खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं सूखा मच्छी का पहले भी दिया है बॉम्बिल का रेसिपी, जो हमारा बंगाल में लड़का शुड़की बोलते हैं, उसका रेसिपी मैं पहले भी दिया हूँ, झींगा का भी दिया हूँ, लेकिन ये क्या बोलते हैं कुमरा से नहीं दिया, मीठा लाव से नहीं दिया। देखिए अब इतना पानी डाल दिया, अभी इसको हम ढक देते, अभी इसको हम अच्छे से पकने देते, बस हमारा सब्जी बन ही गया, ज़्यादा नहीं है खाली, ऐसे धनिया पत्ते होते हैं ये सब बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, एकदम बहुत अच्छा वाला अच्छा टेस्टी वाला सब्जी बनेगा। ये दोस्तों हमारा सब्जी बन गया, इतना हम पानी रखेंगे इसमें, और हरा मिर्ची दिया तो थोड़ा कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन सब्जी हरा मिर्ची का जो सब्जी होता है दोस्तों वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए आप कलर पे मत जाइएगा, आप इसको बना के खा के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा। आज जिसने खाया उनको तो पता ही होगा फिर कैसे बनता ही है। और हरा मिर्ची का सब्जी हमारे बदन के लिए भी अच्छा रहता है, लाल मिर्ची से भी ज़्यादा, कि लाल मिर्ची पाउडर देके हम लोग खाना इसलिए बनाते क्यों, देखने में भी सुंदर दिखता है, और हरा मिर्ची का सब्जी इतना खास नहीं दिखता, लेकिन आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और हमारा ये सूखा मच्छी का सब्जी, झींगा मच्छी का सूखा वाला कुमरा से रेसिपी है दोस्तों, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बाय दोस्तों, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा जो मैंने कैसे इसका कुकिंग की है।